करता हुआ, बेहतरीन टॉस होता हुआ भाई मुकाबला जबरदस्त लखावटी वर्सेस रसूलपुर के बीच, मेरठ वर्सेस लखावटी मुकाबला भाई, बेहतरीन टीम जबरदस्त के। इधर लखावटी की टीम है और इधर है मेरठ की टीम, मेरठ ने टॉस जीता है, बेहतरीन मुकाबला जबरदस्त गेम देखने को मिलेगा भाई। कोल्हेड़ी कबड्डी टूर्नामेंट का यह मुकाबला, मेरठ वर्सेस लखावटी मुकाबला बेहतरीन मुकाबला है जबरदस्त गेम है। एक और पॉइंट मच्छू को किया है आउट, ललित बेहतरीन खिलाड़ी दो नंबर के साथ, बेहतरीन प्रदर्शन जबरदस्त गेम देख रहे हैं। क्या बेहतरीन टैकल मिलेगा और बेहतरीन टैकल विवेक का जबरदस्त प्रदर्शन विवेक, और बेहतरीन प्रदर्शन किया है जबरदस्त टैकल था विवेक के टीम के साथ, काफी अच्छा और रोमांचक मैच चलता हुआ 10 नंबर लखावटी की तरफ से, काफी अच्छे किक लगाने का प्रयास रॉबिन का, एक बार फिर अच्छा स्क्रीन दिखाते हैं दोनों टीम, बहुत ही अच्छा स्कोर 2-3, 3 लखावटी और 2 मेरठ, बेहतरीन टीम बेहतरीन खिलाड़ी दोनों तरफ, दोनों ही टीमों के बीच काफी अच्छा और रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। डू और डाई में बच्चू एक्शन में, 8 नंबर डू और डाई सर, करो और मरो की स्थिति, बिल्कुल मुकाबला बेहतरीन है भाई, टीम काफी अच्छा और रोमांचक मुकाबला दिखा रहे हैं और इस मैच के बाद जो मैच होंगे वो भी काफी अच्छे मुकाबले होंगे, कड़े मुकाबले होंगे दोनों ही टीम, बहुत अनुभव छह का डिफेंस बोनस और काफी अच्छा परिणाम यहाँ पर, एक और रन पर मेरठ के खाते में जाता हुआ और स्कोर हुआ है बराबर 3-3 स्कोर बराबर। दो नंबर मेरठ की तरफ से ये भी काफी अच्छे रेडर हैं, बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं दोनों ही टीमों के बीच, टक्कर का मुकाबला चलता हुआ, बेहतरीन टीम दोनों ही भाई, दोनों ही टीमों ने अभी तक काफी अच्छा बराबरी का मुकाबला, ललित एक बार फिर एक्शन में स्कोर 3-3 बराबर, टीमों के बीच काफी अच्छा खेल चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, और दो नंबर लखावटी की तरफ से ललित एक और एक्शन, एक और पॉइंट मुकाबला चलता हुआ, दो अड्डाई स्कोर 4-4 बराबर, बेहतरीन डैश दर्शकगण अपना खाना वाना साथ लेकर आए, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि ये टूर्नामेंट किस टाइम तक चलेगा, लेकिन फाइनल आज ही होगा चाहे किसी भी टाइम हो, और ये लखावटी की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी है, दोनों ही टीमों के बीच काफी अच्छा और बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, 8 नंबर रेडर लखावटी की तरफ से,
बिल्कुल कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना और राइट इनको किया है बाहर। बराबरी का मुकाबला, पांच पांच बराबर हो गए हैं दोनों ही टीमों के स्कोर, पांच पांच टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला इस समय। अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, और मैं आपको जल्द ही अगला मैच बोलने वाला हूँ किसका होगा, दो मिनट में ही आपको बता दिया जाएगा। बच्चों एक बार फिर एक्शन में भाई, पांच पांच स्कोर बराबर। यहाँ पर लखाउट की तरफ से आठ नंबर रेडर, ये काफी अच्छे रेडर है, लखाउट की तरफ से अच्छी रेड लगाते हैं, यहाँ पर अच्छे रेडर है आठ नंबर, बोनस ऑन है। काफी अच्छा और रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ। थर्ड रेड, दो रेड, थर्ड रेड, दो डाई रेड है, लेके आना होगा या दे के आना होगा, एक काम जरूर करना होगा। ये ललित जबरदस्त प्रदर्शन, रॉबिन बेहतरीन खिलाड़ी, दस नंबर डायरेक्ट पर, दस नंबर रेडर, और देखना होगा क्या करते हैं दो डायरेक्ट पर, काफी हलचल भी मचा दी है। एक दो तीन चार, सुपर रेड हुई है, तीन पॉइंट होगा। अब स्कोर में जरूरी इजाफा हुआ है, किक लगाने का प्रयास, ईमानदारी का परिचय था भाई, ऐसा बिल्कुल भी ना करा भाई, ठीक है। दोनों टीमों के बीच अभी तक काफी अच्छा और टक्कर का मुकाबला चलता हुआ। ललित भाई हो तो हाथ उठा दे, कबड्डी में गुजरात से खेलते हुए दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल का मौका है, लखाउट की टीम में जो दो नंबर, एक और पॉइंट, ललित भाई डुअल डायरेक्ट लास्ट खिलाड़ी है, स्कोर 10-5। एक समय स्कोर कमेंट्री बॉक्स के आगे से इधर उधर को घूमते रहे भाई, इन जगह ना खड़े हो भाई, रेफरी का जो डिफेंस था, लेकिन और मैं आपको बता रहा था एक रेडर को मेरा लखाउट की तरफ से, प्रो कबड्डी के रेडर है, गुजरात की तरफ से खेलते हैं प्रो कबड्डी में, दोनों को एक साथ लेते हुए बिल्कुल यहाँ पर दर्शन बेहतरीन किया है, ऑल आउट ये होते हैदराबाद बेटा, बहुत अच्छे मजा, और एक से एक सेव होने बाकी है इसी तरीके से। भाई घूम तो रहा है ना, वही से भी ज्यादा महासंग्राम होने वाला है, देहरादून और बागपत दोनों टीम अच्छी है, बहुत ही महासंग्राम होना है, रोमांचक मैच, शाबाश ये चले लंबे कद के खिलाड़ी, एक और डैश मिला है बेहतरीन, उसका खामियाजा जा भुगतना पड़ा लखावती को, शाबाश। स्कोर की बात करें 7-14 स्कोर है, डबल मार्जिन, लेकिन प्रदर्शन बेहतरीन भाई मेरठ का, जवाब दिया है, और स्कोर एक समय 5-5 बराबर था। चलो शाबाश, फोन नंबर के खिलाड़ी अपनी जान झोंकते हुए शाबाश, तेल धरा है, तेल का टैंक, बच्चों एक बार फिर एक्शन में, दो नंबर जो ललित था बेहतरीन प्रदर्शन किया था उस खिलाड़ी ने, अब आठ नंबर के साथ बच्चों खिलाड़ी, लेकिन यहां गलती की है डिफेंस ने, और एक और पॉइंट डोर डाई, नहीं तो जरा सी गलती और भारी पड़ती है,
सात स्कोर अभी भी 14 पर 15 सात स्कोर अभी भी बच्चू समय काटते हुए और बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे आपको, परों के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन टैकल मिला है मेरठ की तरफ से, जबरदस्त प्रदर्शन मेरठ का। आठ सोलह स्कोर, बोनस का प्रयास है, क्या मिलेगा बोनस? चले रॉबिन एक बार फिर एक और पॉइंट, टू और डाई, थर्ड रेड है भाई, थर्ड टू डाई। नितिन एक नंबर खिलाड़ी, 16 साल के लगते हैं मुझे, टू अडाई। नितिन ये हरा ठीक है, बेहतरीन थाई होल्ड। ललित एक बार फिर एक्शन में, चार के डिफेंस में, क्या मिलेगा पॉइंट? बहुत अच्छे अंदर घुसे और अपना काम करने की कोशिश मगर नाकामयाब। बड़ों कबड्डी के खिलाड़ी हैं ये, ऐसे वैसे नहीं है, क्या बात, पहले खेल चुके हैं। फिर से मेरठ की ओर से दो नंबर के खिलाड़ी फिर से चले, कुछ करना होगा मेरठ को, कुछ करना होगा अगर गेम में बने रहना है। स्कोर अभी भी 8-18, 10 पॉइंट की लीड में लखावटी, और मध्यांतर हो गया है। मध्यांतर के समय में लेके चलता हूं आपको स्कोर पर, स्कोर 8 मेरठ और 18 लखावटी। मध्यांतर के बाद एक बार गेम फिर स्टार्ट, स्कोर 8-18, अभी भी 10 पॉइंट की लीड लखावटी के पास है। सलमान भाई जहाँ भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, थोड़ा हट चले, रोमांचक मैच चलता हुआ मेरठ की ओर से। सलमान भाई जहाँ भी हो कमेंट्री बॉक्स में मिलने आगे। लखावटी की ओर से लंबे कद के खिलाड़ी शाबाश, बहुत ही अच्छे। हेलो हेलो, दोनों ही टीमें बेहतरीन है, मेरठ की ओर से दो नंबर का खिलाड़ी चला शाबाश। अभी भी स्कोर 8-18 बने रहना है। लखावटी की ओर से 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चले, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, क्या बात, ये लाइन मैन लाइन का ध्यान रखें। और ये देखें कितनी अच्छी पकड़ पकड़ नाकामयाब, सात वालों ने एक और लखावटी की तरफ रेड। बेहतरीन पकड़, जबरदस्त प्रदर्शन, 8 नंबर बहुत ही अच्छा राइट कॉल होता है।
सुपर टैकल मिलेगा, बिल्कुल सुपर टैकल मिलेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस मेरे की अगर बात की जाए तो। प्रयास है और एक और पॉइंट बादल बेहतरीन खिलाड़ी है, बादल लेफ्ट कॉर्नर में खेलता है, लखावटी भाई ये भी शाबाश, बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, ये जो लड़का खेल रहा है इस पकड़ का स्कोर की बात करें तो 13-20 स्कोर है वापसी करती हुई मेरठ की टीम। सुपर टैकल बेहतरीन डिफेंसर, तीनों डिफेंडर था। स्कोर 22-13 बेहतरीन मुकाबला है भाई मेरठ वर्सेस लखावटी के बीच। बाहर का जो भी है मेहमान है, 9 पॉइंट की लीड जरूर है लखावटी के पास, लेकिन मेरठ कड़ी टक्कर देता हुआ बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई मेरठ की टीम समय काटते हुए बच्चों। एक और बेहतरीन टैकल, सुपर टैकल और स्कोर 14-22 8 पॉइंट की लीड और टाइम आउट लेती हुई मेरठ। थर्ड रेड टू और टाई मेरठ की तरफ से और सुपर टैकल ऑन एक और पॉइंट है या दो पॉइंट, दो पॉइंट और जो खतरा मंडरा रहा था ऑल आउट का वो साफ दिखता हुआ लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं। स्कोर 16-22 6 पॉइंट की लीड अभी भी लखावटी के पास। लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, बोनस का प्रयास करेंगे। 14-22 अभी भी स्कोर, एक और पॉइंट, बोनस प्लस वन, दो पॉइंट लिए हैं, एक और सुपर टैकल का मौका दोनों डिफेंडर। बादल कॉर्नर में और दूसरी तरफ राठी, एक बार फिर लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं राठी। क्या बात,
रहा है ऑल आउट, जो ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था वो ऑल आउट मिलता हुआ, ऑल आउट मिला हेलक हाफ्टी को और स्कोर हो गया है 20 मेरठ और 24। ये है ललित का कमाल, ललित ये लगातार प्रदर्शन करते हैं ऐसा। स्कोर 25-20 अगली टीम तैयार है एस टी अकेडमी देहरादून और बात पर दोनों टीम तैयार रहे। भाई 10 नंबर खिलाड़ी मेरठ की तरफ से युवा खिलाड़ी है, हमें दर्शकों का भी ख्याल करना पड़ता है और उसका प्रयास जरूर किया है लेकिन अपने अपने काम पे लगना है, क्लियर नहीं लग रहा है। और नहीं मचाता हुआ करीब 5 मिनट के आसपास का समय से इस मुकाबले में कमी भी अंतिम 5 मिनट का बिल्कुल बच सकता है और वापस दोनों टीम तैयार रही, हर टीम को 2 मिनट का समय दिया जाएगा स्कोर तैयार होने के लिए। स्कोर 20-25 लास्ट 5 मिनट का समय शेष बिल्कुल बच चुका है, लास्ट 5 मिनट का और 5 पॉइंट की लीड है और रॉबिन हुतरड़ी डोर टाइम है। डोर डायरेक्ट है, बोनस ऑन है, बहुत अच्छी शाबाश है, लंबी लगाने का प्रयास और ये गेंद जबरदस्त बल्ला था, 1-2-3 नाकामयाब नहीं दिया, सुपर रेड हुई है, 3 पॉइंट मिले हैं और ये डोर टाई, मतलब दोनों स्थिति अपोजिट है मेरठ के। एक और प्रयास, एक और बेहतरीन प्रयास ललित का और पकड़, एक समय जो खतरा था वो मंडरा रहा था लखावटी पर, लास्ट 3 मिनट का समय से 29 लखावटी बहुत ही अच्छा गेम चलता हुआ ऊपर टेंगल एक और पॉइंट और अपना काम कर गए लंबे गज के खिलाड़ी, सब इंस्टीट्यूट किया है मेरठ ने, 2 मिनट का टाइम लिया है, दोबारा टाइम लिया है, करीब 2 मिनट का समय शेष, अब लीड 10 पॉइंट की लखावटी के पास, क्या मिलेगी पकड़, ये बेहतरीन प्रदर्शन है, जबरदस्त पकड़, ऑल आउट मिलता हुआ एक और मेरठ को। समय काटते हुए ललित ने डिफेंस में बेहतरीन काम किया है, लास्ट 2 मिनट का समय से अगली टीम तैयार रहे, मैं 20 बार आपका नाम ले चुका हूँ, दोनों टीम तैयार रहे, बहुत बड़े बड़े एक और पॉइंट मेरठ की तरफ, कामयाब 21-33 स्कोर, खाली खाली और मेरे दर्शकों से जो बाहर से आने वाले बच्चू फिर समय काटते हुए खिलाड़ी हैं, अपने गांव वालों से रिक्वेस्ट है कि हाँ खाली करके उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार न करें, प्यार से लगभग लखावटी को जीत की सुगंध आ चुकी है क्योंकि ये मुकाबला इस समय एक और बेहतरीन लाठी का कमाल, एक और पकड़ जबरदस्त और स्कोर की बात करें तो 34-30 अब 13 पॉइंट के लिए डोर डायरेक्ट, 1 मिनट का समय से
लखावटी की ओर से समय काटते हुए ललित, क्योंकि जानते हैं 13 पॉइंट की लीड है। दोनों टीमें कोर्ट के नजदीक आ जाएं। बोनस का प्रयास जरूर किया है, बहुत ही अच्छे शावा। सरेंडर किया है, चलते फिरते बना लो भाई, भाई मैं इनके पीछे हो गया काम, मैं देखो इनके पीछे जा रहे भाई। बोनस का प्रयास है, बोनस जरूर मिला है, बोनस कोई टुकड़ा और यहाँ हुआ है समय समाप्त। और अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर है 34-23, 11 पॉइंट के साथ बाजी मारी है यहाँ लखावटी ने। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।